पूरा मैप खाली पड़ा हुआ है, बट जैन वर्सेस टीम एक्सपार्क तीसरा मुकाबला और ये तीसरी फाइट। लगता है एक राइवलरी ब्रू होती यहाँ पे नजर आ रही है, बट सारंग एक नेड उनके हाथ में, वो अपने अपोनेंट जैन को बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं। चलिए डैमेज वहां पे पड़ा, बट जोन के बाहर की फाइट 300 मीटर हम सब जानते हैं आसान बिल्कुल भी नहीं होता। सैनोक में 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना, एक और नेड सारंग के थ्रू गया जरूर है। बट प्लेयर भागने की कोशिश कर रहे थे, वो जा रहे थे बट वो जा नहीं पाएंगे। एक प्लेयर अभी भी इस कंपाउंड के अंदर, मुझे लगता है कि एक्सपार्क ये फाइट अब जीतने वाली है बिकॉज दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज। बट एट द सेम टाइम जोन के बाहर ये प्लेयर सामने आए, एक प्लेयर को स्पॉट किया, एक को नॉक किया, दूसरे को स्पॉट किया, दूसरे को नॉक किया। ये क्या हो रहा है, डीपीएस मैजिकल वेपन बन चुका है। बट एक्सपार्क स्टेज तीसरा चल रहा है, चौथा शुरू होने वाला है, मेजी क्या जोन पहुंच पाएंगे। टेस्ट की बात करने ही वाला था कि चौथे पायदान पे एलिमिनेट हुए, बट इन सब के बीच में आप देखें टीम एक्सपार्क जिनके पिछले दो मुकाबले नपे तुले थे, उतना अच्छा नहीं खेला था, उतना खराब नहीं खेला था, बट टीम एक्सपार्क उनको ये मुफ्त का विनर विनर चिकन डिनर मिल सकता है। पूरी लॉबी टीम गॉडलाइक ने खाली करी, बट उसका फायदा टीम एक्सपार्क अब अपने लिए उठा सकती है। चिकन डिनर अगर उन्होंने निकाला तो शायद आपको ये ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। 20 की लाइन में ये टीम मौजूद थी और हम बात कर भी रहे थे कि शायद वो 45-50 का कट ऑफ जा सकता है, और उसको पार करने के लिए एक चिकन डिनर की दरकार आज के दिन पे टीम एक्सपार्क को थी। अगर आज नहीं निकालते तो कल के दिन पे उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आता। बट टीम नो वैल्यू, नियॉन उन्होंने वैल्यूज निकाले हैं, टॉप थ्री तक अपनी टीम को लेकर आए, यहां से 10 प्लेसमेंट पॉइंट तो निकाल कर जाने ही वाले हैं। भले उनके पास फिनिशेज नहीं है बट स्टिल वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट इनकी टीम के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। बिल्कुल होने वाले हैं, बिकॉज अगर एक या दो टीमें ही बार बार जीत रही हैं, दैट मींस के कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जाएगा। और नो वैल्यू ने पहले दो मैचेस में कुछ खास खेला नहीं था, बट इस मैच में उन्होंने उनके लिए आसान हो सकता है। नियॉन द लास्ट मैन स्टैंडिंग, यार अब मैं देखना चाहूंगा नियॉन के यहाँ से कुछ मैजिक करके जाएंगे, क्या वो एक चिकन निकाल सकते हैं। भाई गॉडलाइक की थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गए, थोड़ा सा बाहर गए, बट यहाँ पे स्पॉट किया गया उनके प्लेयर्स को सारंग के द्वारा। ये क्या हो रहा है, सीगोर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, एक पेड़ उनको मिला था जहाँ पे एस पावर जा चुके थे। एक मोलोटोव भी आएगी, एस पावर अपने आप को हील कर चुके हैं, नेड उनके पास, एक और मोलोटोव आएगी, नेड की कोई कमी यहाँ पे है नहीं। एस पावर को स्पॉट करा जाएगा, आसानी से खत्म करा जाएगा, एक चिकन मिलेगा टीम एक्सपार्क को। मेरे ख्याल से मेजी हमने थोड़ा सा तैयार थे ग्रेनेड के साथ, सारंग उन्होंने भापा परखा, उनको पता चला सामने एक खिलाड़ी मौजूद, नेट करने की वो कोशिश कर सकते हैं, बट नोवा यहाँ से निकलने में भलाई थी, वो निकलने की कोशिश कर भी रहे और बड़े आसानी से निकल भी जाएंगे। ये फाइट लेने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है whether you really want to engage into the fight or not, लेकिन यहाँ पे पुकार को टेक डाउन कर दिया गया है। This is definitely going to put up a lot of pressure on Team Xpark, लेकिन ड्रीम आगे बढ़ चुका है, खदेड़ बगाना चाहते हैं, तो बचाना है, सही समय पे प्रोन हो गए, लेकिन बॉल के उस तरफ खिलाड़ी है, सारंग ने जैन लाइट को टेक डाउन किया है। चलिए पुकार सेफ साइड पे आ चुके हैं और अभी के लिए आदित्य फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं अपनी टीम के लिए, राइट ओवे कंफर्मेशन भी कर देंगे, तो अच्छी शुरुआत रही यहाँ पे टीम एक्सपार्क के लिए। बेशक पुकार डाउन हुए, लेकिन यहाँ पे एक और नॉक मिला है आदित्य को, इजी गोना गेट द थर्ड वन सामने की तरफ प्लेयर, बट इस बार आदित्य भी डाउन होते हुए, मौका सामने से टीम जैन के पास भी है। देखिए वहां से भी बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है, नोवा वो थोड़ी सी गलती कर बैठे, बहुत ज्यादा दूर अपनी टीम से निकल गए, उनको पहले अपनी टीम के साथ जुड़ना चाहिए था, आसानी से अपनी टीम के पास पहुंच सकते थे और अच्छी फाइट निकाला जा सकता था, और शायद टीम एक्सपार्क को वो एलिमिनेट भी कर सकते थे जिस तरीके से शुरुआत की गई जैन के खिलाड़ियों के द्वारा। बट सारंग आज के दिन पे ये खिलाड़ी रुकने नहीं वाला, जिस तरीके से बैक टू बैक उन्होंने नॉक्स निकाले, तीन नॉक्स निकाले थे, दो फिनिशेस मिले, एक खिलाड़ी वहां पे रिवाइव हो गया, आदित्य दो, सारंग दो, और सारंग हाल फिलहाल में इंसेन जिस तरीके से वो खेलते नजर आ रहे हैं, जो लय उन्होंने पकड़ी है, मैं मान के चलता हूं टीम एक्सपार्क उनको पता चल चुका है कि हाँ उनकी टीम अब फॉर्म में है, जितने आप फिनिशेस निकाल पाओ, जितने आप प्लेसमेंट पॉइंट निकाल पाओ, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सारंग अपनी टीम के लिए सारे के सारे रंग दिखाएंगे, ऑफ कोर्स दो फ्रैग निकाल लिए हैं सारंग एंड आदित्य। स्पैरो धीरे धीरे करते हुए पानी के अंदर तैराकी लगाई है, थोड़ा और आगे जाने की कोशिश रहेगी। सूर्य अभी भी वो स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं आदित्य को, बट शायद आदित्य उन्होंने व्हीकल उठाई, थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके जो दूसरे खिलाड़ी वो बहुत ज्यादा दूर निकल गए थे, और देखना यह है कि सारंग वो आदित्य को बचा सकते हैं, जवाब होगा नहीं, गोजो उन्होंने समाप्त कर दिया आदित्य को। बट एनवी उनके जो दो खिलाड़ी पानी के अंदर मौजूद हैं अभी भी सरकल के अंदर, थोड़ा सा दुखी हो गई GWL, स्प्रे बहुत अच्छा किया था लेकिन अफसोस कोई और फ्रैग ले गया, लेकिन यहां से पुकार की दहाड़, फ्रैग निकालने की कॉन्स्टेंट अप्रोच है, पता है पानी के अंदर कुछ खिलाड़ी है तो
तो भाई जितने ज्यादा फ्रैग आप निकाल सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अब टीम एक्सपार्क के लिए। आदित्य एंड ड्रीम दोनों फिनिश हो चुके हैं, सारंग एंड पुकार सही समय पे ब्रिज के नीचे, जब तक सर्कल इनके पास है इवन दो इट इज स्टिल दी एज तब तक फायदा है। यहाँ पे कोई और इन्हें टेकडाउन इतना आसानी से कर नहीं पाएगा, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा उसके बाद कहा जाएंगे। सर्कल के अंदर हमें गॉडलाइक नजर आती हुई, सदर्न पार्ट पे थोड़ा सा क्लियर एरिया हल्का सा डब्ल्यू जी के एक निकलने में कामयाबी हासिल किया था। बाकी जो तीन खिलाड़ी थे वो यहीं के यहीं समाप्त हुए। उसके बाद हमने ड्रीम्स को डाउन होते हुए देखा, बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया जोडार के द्वारा और ड्रीम्स को वहां पे समाप्त किया गया। आदित्य उजो के द्वारा वो भी समाप्त किए गए और अच्छे खासे फिनिशेस एनबी के पास भी हो सकते हैं। बड़ी सी भी सारंग उनको भी टेक डाउन किया गया, पानी में लगे हुए और फाइनली एनी हाउ चांस सर्कल के अंदर आ रहे हैं। स्मोक्स के अंदर एक तरफ उकार और ग्रेनेड बहुत ही बेहतर, दो फ्रैग्स यहां पे दो प्लेयर्स को डाउन किया, लेकिन इन रिटर्न वहां से भी क्रॉस फायर आया हिटमैन का, पुकार डाउन होते हुए। सारंग को अब जरूरत है फटाफट से पुकार के पास जाएं, हेल्प आउट करें और अपनी टीम को पोजीशन भी दिलवाएं और फ्रैग्स भी कंफर्म हो जाए। प्रॉब्लम ये थी इनसेन कि वो अकेले चले गए, अगर दोनों साथ में जाते तो शायद आसानी से उस टीम को एलिमिनेट किया जा सकता था। सारंग वो नीचे फंसे रह गए और अभी भी वो सर्कल के अंदर है, या तो पुकार को रुकना चाहिए था या सारंग को जाना चाहिए था। पुकार वो भी समाप्त होंगे, इस पावर एक और फिनिश उन्होंने चोरी की और देखना यह है कि अब F2V जिन्होंने मात्र केवल प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम खेला है यहां से कितने दूर वो जा सकते हैं। बट ग्रेनेड और पानी दोनों कैंसिल करते हुए, क्योंकि रॉक्सी वो गाड़ी के अंदर बैठे थे उनको डैमेज नहीं पड़ रहा। बट टीम गॉडलाइक क्या बढ़िया प्रदर्शन अभी तक उनका रहा है। जॉनथन सर्कल के बाहर, बाकी दो खिलाड़ी अभी भी सर्कल के अंदर, और वहीं पे टीम नेक्सस बहुत समय से हमने उनको यहीं पर देखा। ज्यादा फिनिशेस उन्होंने निकाले नहीं है बट वो जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये छठा सर्कल है, छह टीम मात्र 14 खिलाड़ी इस पूरे पता के पीछे कोई टीम हो सकता है, बट जॉनथन बैक टू बैक उन्होंने दो नॉक निकाले तो सही और आसानी से दोनों को फिनिश किया जाएगा। बट इस वक्त आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, 13 फ्रैग्स निकाले गए, सारंग उनको भी डाउन किया गया, सोल्जर जो नॉक थे जॉनथन ने उनको फिनिश किया। बट नेक्सस एक बहुत बड़ी गलती, आप इतने समय तक सर्कल के अंदर थे, निकल चुके हैं बट देन अगेन होल्ड बैक करके शायद फाइट में एंगेज कर लेते तो फायदा होता। चलिए पुकार ने भी यहाँ पे आक्रमण शुरू कर दिया, एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरे प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट देने की कोशिश करी जरूर वहां पे, अभी तक कनेक्शन ढूंढा है बट सेकंड नॉक आया नहीं। पुकार चलिए उनकी पोजीशन भी रिवील, बट कॉल आ चुका है टीम एक्सपार्क सारंग अब आगे बढ़ते वो नजर आएंगे। गाड़ी के नीचे से स्पॉट करा अपने अपोनेंट को और इसी को मैं गेम सेंस कहता हूं। ये अटैक करने की बजाय स्मार्ट अटैक कीजिए वो ज्यादा बेहतर रहता है और वो किया यहाँ पे टीम एक्सपार्क के सारंग ने। अब नेट कुक किया, अगला नेट जाएगा, बहुत सरलता से खेलती हुई एक्सपार्क और अपोनेंट को मजबूर करा यहाँ से निकलने में। बट दैट वाज अ बेट, दैट इज अ बेट, क्योंकि एक प्लेयर गया है, दूसरा प्लेयर अभी भी वहां पे इंतजार करते हुए और यहाँ पे टीम एक्सपार्क ने ये बेट ले लिया तो मुश्किल में वो भी फंस सकते हैं। ड्रीम्स यहाँ पे चेस करना पसंद करेंगे, ड्रीम्स को पता चल चुका है ऑलरेडी दो प्लेयर को डाउन कर दिया है, एक खिलाड़ी आगे की तरफ जा रहे हैं, एक खिलाड़ी पीछे जो मौजूद है उनके साथ एंगेज करने के लिए टीम एक्सपार्क के बचे खिलाड़ी है। लेकिन ड्रीम्स यहाँ पे शॉट्स दिया, एक HP सरवाइव करके निकले हैं, मात्र एक HP। मैं उस प्लेयर को देखना चाहूंगा जो अभी भी एक्सपार्क के पास है, एक्सपार्क को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो प्लेयर वहां पे है और जो बेट यहाँ पे किया है नो वैल्यू ने, अब वो वैल्यू वो प्लेयर निकाल सकता है। बट क्या यहाँ पे लीवाए कुछ मैजिक करके जाएंगे एक्सपार्क के पास, चुपचाप एक माउंटेन पे बैठे हैं, अनावनासी वो क्या करेंगे। चलिए फाइनली उन्होंने फाइट नहीं ली, उन्होंने अपनी बग्गी निकाली और आप मुझे लगता नहीं वो बच पाएंगे, स्प्रे आएगा उनके पर पुकार, थोड़ा सा अपना स्प्रे मेसअप वो जरूर करेंगे बट टायर मेरे ख्याल से पंचर हुआ, बग्गी अब चल नहीं पाएगी और ड्रीम्स चेस करेंगे, एक आसान फिनिश यहाँ पे जरूर आ सकता है बट ड्रीम्स फ्लैश बैंक कर रहे हैं, बहुत रेयर है ये चीज, फ्लैश बैंक बहुत कम देखता हूँ। चलिए फ्लैश आया, अब पुश करते हैं, ड्रीम्स नजर आएंगे, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इजी फ्रैग फॉर ड्रीम्स एंड यस इट इज। It was indeed a good battle. DBS versus DBS थी। अगर AR होती तो चलिए एक normal battle होती, but this time it was DBS. Player को revive भी देंगे, but Team Xpark too easy for them. जैसे मैंने पहले बताया, सरलता के साथ अपने opponents का खात्मा करते हुए. Smooth and steady, 8 frags आ चुके हैं Team Xpark के. Car down है, revival हो जाएगा, smoke के अंदर spray देने की कोशिश की जा रही है, but sadly there was no one there. और अच्छी बात है कभी कभार जहाँ पे आप smoke देखें, shots ले लेने चाहिए. बट इसी बीच यहाँ जैन का स्क्वाड एजिस पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है और उनको पता है सामने की अंदर एंट्री लेते साथ ही टीम एक्सपार्क खड़ी है और अब टीम एक्सपार्क भी सर्कल से बाहर होती हुई। लेकिन ड्यूस के पास हिटमैन है, पिछले मैच में हिटमैन MVP रहे थे लेकिन इस मैच में तो कुछ खास कमाल देखने को मिला नहीं हिटमैन द्वारा। नेक्सस का स्क्वाड भी सर्कल के बाहर है, लेकिन यहाँ पे जैन वर्सेस टीम एक्सपार्क
दोनों टीम बिना फाइट लिए अंदर नहीं जा सकती। चलिए जो हमारा हैशटैग है ना प्ले प्योर, फाइनली आपको एक प्योर फाइट देखने को मिलेगी, एक 4v4 एनकाउंटर। बट पीछे से जो प्लेयर आ रहे थे वो मैं देखना चाहूंगा कहां गए भाई। अगर बात की जाए प्लेयर्स की, लुक एट द नेज, लुक एट द यूटिलिटी यूसेज, नेज की बारिश, मोलोटोव वहां पे, पूरी यहां पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। टीम सैन के लिए खड़ी हो चुकी है बट स्मोक भी किए हुए हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। मीनवाइल नेक्सस की भी फाइट होगी बट नेड आया, सारंगर जाएंगे डाउन। अब जैन के पास एक एडवांटेज, दे शुड पुश राइट नाउ, बट पुकार एक अलग एंगल उनके पास प्ले देने की कोशिश उनकी तरफ से, एक नेड उनके ऊपर भी आया। बट इट्स इंपॉर्टेंट, अगर कोई और प्लेयर नॉक हुआ टीम एक्सपास बैक पे जा सकती है। मीनवाइल नेक्सस का भी खात्मा हो जाएगा, कोई फिनिश को मिले नहीं। वहीं अगर जैन की बात की जाए, इट्स टाइम फॉर द पुश इन, देखो पुश करते हुए सारंग को नॉक करा जाएगा एक बार फिर से, लाइट दूसरी तरफ से जाएंगे, आदित्य को भी डाउन करा जाएगा। ड्रीम्स वहां पे बचे हुए, पुकार वहां पे बचे हुए, ड्रीम्स भी डाउन पुकार। नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, क्या पुकार अकेले कुछ करिश्मा करके दिखा सकते हैं? कल हमने देखा था कार्तिक का 1v4 और अब है पुकार की बारी। देखिए पुकार की दहाड़ नहीं हो पाई, नहीं कर पाए शिकार, जैन नोवा ने फाइनली जाके